वारिस भाई, आज संसद में वक्फ बोर्ड का बिल पेश किया, तो आज यूबीडी के सांसद अब्सेंट है। आपका क्या उस बारे में बोलना है? देखिए, मुझे अभी जानकारी मिली कि जब ये वक्फ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में पेश हुआ, तो उस वक्त महाराष्ट्र के जो यूबीटी उद्धव ठाकरे के जो सांसद थे, 9 के 9 एब्सेंट रहे। तो एब्सेंट रहे तो सवाल ही नहीं आता है कि उस मुद्दे के ऊपर उन्होंने कुछ चर्चा की होगी। तो मेरा सवाल और जनता का सवाल महाराष्ट्र के आवाम भी यही पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो आपको सेक्युलर लोगों ने, मुसलमान लोगों ने भर भर के वोट दिया पिछले लोकसभा के अंदर, तो आज जब मुसलमानों के वक्फ की प्रॉपर्टी का मुद्दा आ गया, इतना बड़ा इशू हो गया कि जो बीजेपी की सरकार है हमारी, मुसलमानों की वक्फ की जमीन को खा लेना चाहती है, यूसरप कर लेना चाहती है, छीन लेना चाहती है, तब आप इसमें क्यों खामोश रहे? आपको बोलना चाहिए था ना। आप पे इतना विश्वास करके मुसलमानों ने आपको वोट दिया, महाराष्ट्र में आपके इतने सांसद जीत के आ गए, तो ये खामोशी क्या दर्शाती है? मगर बिल्कुल सही बात है, अभी देखिए महाराष्ट्र में चुनाव है, इसका जवाब आपको मिलेगा। बड़े अफसोस की बात है कि आप 9 के 9 एब्सेंट रह गए आज, और वोट लेने के लिए तो आप आ जाते हो, भर भर के मुसलमानों के वोट आपको चाहिए, मगर जब उनका मुद्दा आ जाता है तो आप एब्सेंट हो जाते हो, आवाज नहीं उठाते हो। तो महाराष्ट्र का मुसलमान सब देख रहा है कि किस तरह से आप राजनीति कर रहे हो महाराष्ट्र में।